शादी की फिक्र करो तुम, यहाँ आबाद होने के बाद आइकिस और तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह भाई। आइकिस के ख्यालों से हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, वणक्कम, माय नेम इज फरहम, आई एम हरमा, आई एम मंजत, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, आज का जो हमारा रिएक्शन है दैट इज ऑन डिरले सेरथुरुल सीजन 1 एपिसोड नंबर 6। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस न्यू एपिसोड बिकॉज इसमें पता चलेगा कि एरथुरुल गाजी को क्या हुआ है। उनको जहर दिया था, वो सो रहे थे उनके बालकनी में, मोमबत्ती के अंदर किसी ने कुछ तो डाल दिया था और वो उसकी सुगंध से वो थोड़े बेहोश हो गए थे एंड इब्न अल अरबी को पता चल गया था एंड उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, दुआ पढ़ी तो एरथुरुल बच गए। तो आई होप एरथुरुल बच गए होंगे ऑफ कोर्स एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि आगे क्या होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो आपके साथ हम भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन वीडियो। बच गए एरथुरुल। वो बुझ गए। वाओ, बच गए। ये कौन है? उनको मारने के लिए कोई आया शायद। शायद प्लान बनाएगा कि ये बेहोश हो जाएगा और मैं मार दूंगा। ओह, आ गया पीछे से कोई। बाप रे, ओ ओ, बच गए। ये टाइटस तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इब्न अरबी दुआ कर रहे हैं। इब्न अरबी जी को पता चल गया कि एरथुरुल बच गए। वाओ, बताओ मुझे उसका काम तमाम किया। मारो मत इसे। इसको पता चल गया वो भाई। टाइटस के साथ मिला हुआ है ना, से मुझे लग रहा है उसने ही भेजा है। सलीबी जासूस। सलीबी। आगे टाइटस। इसको मार देगा अभी। क्या खबर लेकर आए हो नासिर? क्या मुतालबा किया उन्होंने अलजीज से? काई कबीले को मौसम सरमा के लिए जमीन दरकार है। ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। क्या मतलब? काय कबीला? तुम अचानक से काय कबीले के लिए मोहतरम हो गए? मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। सुलेमान शाह अपना सामान तिजारत हमारे हवाले नहीं कर रहा। हमारा यहाँ आना बेसुध रहा। मुझे काफले की तैयारी में तुम्हारी मदद चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। ये तरीका ठीक नहीं है आपसे। मेरे एहसानात को क्या भूल गए हो तुम? जब तुम भूखे मर रहे थे मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम पर कर्जा है मेरा, धोखा नहीं दे सकते तुम मुझे।
अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे लिए काम किया और तुम कह रहे हो कि कर्ज उतारूं तुम्हारा? दफा हो जाओ यहां से वरना जान से जाओगे। दफा। कैसे गर्दन से पकड़ लिया। कॉमेडी है वो। वाह पता चल गया उनको। सही है। ये भाई इसको क्या कर रही है? बाप रे चाकू निकाल। सलजान है ये? सलजान है। हाँ इसकी बीवी पक्का वही है ना? वही है। नहीं वो टोपी पहन के अभी टोपी नहीं पहने ना इसलिए पहचान में नहीं आया। क्या कर रही है? पर बाल काट रही है, ये दाढ़ी निकाल रही है। ओ उसने बाल लिया। ये क्या कर रही है तुम? क्या हरकत है? रुको ठहरो। गुनाह कर रही हो ये तुम। अल्लाह के कामों में दखल ना दो। क्या गुनाह कर रही है? मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए और सब कुछ बदल जाए। उदास मत हो। जो काम खुद कर रही है वो दूसरे पे इल्जाम डाल रही है। बहुत शातिर है। बहुत ज्यादा। क्या करेगी? क्या ही है? कंदूतू का गुस्सा खत्म हो गया, शुक्र है अल्लाह का। काफले की रहनुमाई जस्ती है उस पर, जिस तरह लकड़ी काटना चश्ता है उस पर। इंशाल्लाह उसकी जिद और अनापरस्ती भी खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हाइमा, इंशाल्लाह।
काफले को बहुत जल्दी तैयार किया है उसने। मामूली बात नहीं है, अपने कबीले की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता वो। अल्लाह उसका मददगार हो। मगर मगर क्या? नहीं कुछ नहीं। हाय माँ, क्या छुपा रही हो उसे? पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट। क्या कर रही है? ओ भाई, वो जो गोबर में डाला था ना उन्होंने कपड़ा, उसको बिगाड़ रही है। हल्दी में हाथम डाल के गई थी। बाजी ये आप क्या कर रही है? अरे ये बात सोचने का नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं कर रही आप। ये गोपची है ना? हाँ गोपची, गोपची। आखिर आपको हो क्या गया है? आपके ऐसा करने से नुकसान किसका होगा? हमारा। गोपची तुम निहायत ही अहमक लड़की हो। तुम्हें अभी तक बुराई की असल जड़ का अंदाजा नहीं हो सका है। अर्तुरुल अभी ये रवाना होंगे शायद से हलब से। इजाजत दीजिए भाई। तुर्कुद भाई, हमने आपको मुश्किल में डाल दिया, बहुत शुक्रिया। जनाब, सुल्तान अल अजीज ने आपको बुलवाया है। सुल्तान अल अजीज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, देखना अभी क्या होगा। सुल्तान अभी मानेंगे नहीं मानेंगे। ओहो, कौन? सुल्तान अजीज कितना ब्यूटीफुल है ना। हेलो, वाओ। आओ बहादुर नौजवान, आओ। मैं तुमसे कल रात होने वाले वाकये की माफी चाहता हूँ। ये जिसकी भी साजिश थी हम उसे ढूंढकर मेरे मोहतरम चाचा के कहने के मुताबिक करार आपके सजा देंगे। हमने फैसला किया है कि तुम्हें रहने के लिए सरसब्ज जमीन मुहैया की जाए, और उस जमीन के बारे में नासिर तुम्हें बताएगा। ये जगह देखिए, दयारे आसी के मगरिब में। मैंने सुना है कि यह जमीन जाहिर से दुश्मन के मामले में भी, ये इलाका तुम्हारे दुश्मनों की सरहद के बिल्कुल करीब है। फिर तो शैतान को गरीब से पछाड़ने में मजा आएगा। दुश्मन की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा तुम्हारे कबीले के लिए? चौकन्ना लगती है दुश्मन की मौजूदगी, यही तो जिंदगी है। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारी बात सुन के। मुझे पहाड़ों के सरफिरे बहादुर बहुत पसंद है, मतलब के अपनी जिंदगी को मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहते हो। अगर तुम्हारी शैतान को पछाड़ने की इतनी ही ख्वाहिश है तो तुम्हारे हौसले की तारीफ करते हैं। तुम्हें नई सरजमीन मुबारक हो बहादुर नौजवान, तुम्हारी बहादुरी से काफी मुतासिर हुए। चलो आप दुश्मन की फिक्र ना करें, वो हमारा मसला है। हम खूब जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। एकदम बॉर्डर के पास में दिया उसने। इसने इतना असल जानने, ये रंग कैसे आ गया इन पर? ऐसी तो कोई चीज नहीं डाली थी हमने इसमें। हलीमा, कौन कर सकता है ये? गॉड।
हर मुश्किल का हल निकल आता है। काफिला जाने वाला है, हम क्या करेंगे? करना तो पड़ेगा आइकस, हर सूरत में करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्तुल, क्या हो गया? तैयारी करो। अपने नए घर की जमीन को देखने की तैयारी। सच कह रहे हैं आप? क्या नहीं, कोई मान गया? क्या बात है, बिल्कुल ख्वाब नहीं देख रहे हम। वाह, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। क्या बात है, काफिला निकलने वाला है अभी। हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तमाम सिपाहियों के हथियारों को अच्छी तरह जांच लेना, तुम जो हुक्म आपका। रवाना हो रहे हो? जी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि तुम्हें काफिले के साथ इन हालात में नहीं जाना चाहिए कुंदूक। तो क्यों, क्या हुआ? कारा तो अगर अपनी जेब पिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, शैतानी दिमाग है उसका, वो हमला भी कर सकता है। तुम सरदार के बेटे हो, अटल भी यहाँ नहीं है, बाबा बीमार है। बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ कबीले में। मतलब मैं अपने ऊपर बुजदिली का दाग लगवा रहा हूँ, कबीले में रुककर अतराफ पर नजर डाले। इन सब ने अपने सामान तजारत के लिए मुझ पर भरोसा किया है, क्या मैं यहाँ रुककर इनका मान तोड़ दूं? और अगर कारा तोयकर ने कोई हरकत की तो मुझे भरोसा है हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। सही बात है, आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है, सब कुछ तैयार है। गोपचे ने काही पे रख दी है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। इंशाल्लाह बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये मैंने खास तौर से आपके लिए बनाया है। मेरी प्यारी बेटी बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश खुर्रम रखे। तुम अकेले इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? इसने दिन रात एक कर दिए थे नाइमा खानम, माशाल्लाह। हलीमा अब क्या होगा? कुछ हो गया, ये क्या किया तुमने हलीमा? शायद हमने बहुत कम गोबर इस्तेमाल किया था, हम फिर कोशिश करेंगे। जितनी कोशिश करनी थी कर ली तुमने,
सुबह तक तैयार नहीं कर सकती तुम्हें से। हाइमा खानम, आप फिक्र ना करें, हम रात भर मेहनत करके निपटा लेंगे ये काम सुबह तक। आप हमें एक मौका दे दें। ठीक है, कोशिश कर लो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हलीमा को पता है किसने किया है। सली जान हेलो टाइटस अर्थरोल। अर्थरोल अभी जा रहा है नहीं? क्या बात है, जा रहे ना अपनी जमीन देखने के लिए। ये देखो इनकी जमीन, वाह सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना सभी। बिल्कुल, ये इलाका दुश्मन की सरहद से जुड़ा हुआ है। वाह बहुत अच्छा है। शैतान हर जगह मौजूद है तुर्कुत, हमारे दरमियान अलग में हर जगह। बहुत मजा आने वाला है। वाह अभी काय कबीला जाएंगे खुशखबरी देने सबको। सभी लोग वापस भी खुश हो जाएंगे। यहाँ का नजारा बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छा है। ब्यूटीफुल, वाओ कितना ग्रीन है ना। हाँ सही, एकदम कड़क। यहाँ का शूट बहुत जबरदस्त आ रहा है ना। वाह कितना सही है ना। सभी लोग बहुत खुश हो गए। बम से मैंने आज से पहले इतनी हरियाली नहीं देखी अपनी जिंदगी में। यहाँ हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी और हमारे कबीले को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। सही बात है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ये जगह अब तक गैर आबाद कैसे है?
इसलिए कि ये जहन्नुम के बिल्कुल पास है तुमको। मगर भाई आखिर वो आपको क्यों मारना चाहते थे? मुझे लगता है वो उन सलीबी सिपाहियों का बदला लेने आए थे जिन पर हमने हमला किया था। जी भाई ठीक कहा, वो यहां भी चैन से रहने नहीं देंगे। छोड़ो ये बातें, अपनी शादी की फिक्र करो तुम। यहाँ आबाद होने के बाद आइकिस और तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह भाई। आइकिस के ख्यालों से भाई आप ही यहाँ अपनी शादी के बारे में सोच सकते हैं। हमारा परचम सर बुलंद रहेगा और काई कबीले की मंजिल जमीन नहीं आसमान होगा। हमारे हथियार हमारे साथ ही होंगे जो जालिम के खिलाफ उठेंगे, और यह परचम सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा। पहाड़ों और समंदरों की वुसत तक रब की हक्कानियत का पैगाम पहुंचाएंगे। बहुत सही, क्या बात है, कितना अच्छा रहेगा ना सभी लोग इधर रहने आएंगे। ये कौन है? अरे वो टाइटस का जासूस है ना। हाँ जिन पर नजर रखी है। जाके बताएगा इधर रहेंगे। हाँ वो पीछे से कौन? ओ एर्थरुल है शायद। हाँ एर्थरुल नहीं है, तुर्गुत है या बम्सी है। अपनी कब्र खुद खो दी है तुमने। तुम हलफ से हमारा पीछा कर रहे हो। कौन हो तुम? बताओ किसके कहने पर आए हो यहाँ? एर्दल को पता था। बोलो। ओ ओ ओ ओ शिट शिट, जहर खा लिया उसने। नहीं वो जिससे था वो उसको पता ना लगे ना, इसलिए वो खा लिया उसने निशान उनका लोगो। ये तो जहन्नुम वासिल हो चुका है। कबूतर इन्हें इनके मालिक की तरफ भेजना होगा। हलीमा का दुपट्टा हलीमा पूरी रात भर बैठ के काम कर रही ना। सुबह काफिला जाने वाला है उस वजह से। वो सलजान हातुन फिर से आके वो खराब ना बिगाड़ना दे। बहुत बेरहम इंसान है। ये क्या?
बाइजेंटाइन सलेबी। कैदी है एकदम, काल कोठड़ी में डाल के रखा है उसको। मेरी दुआ सुन ले, तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे पास अपने पूरे वक्त का मुदावा करने के लिए आए हो पेट्रोशियो। कितना खूबसूरत नजर। हाँ। ओ भाई अभी ये पूरा काफिला वापस आएगा। आई थिंक इर्तुरुल अभी आएगा ना, कितना सही लगेगा। पानी की पश्चिमी रख लिए अगर तू, वहां बर्फ जमी होगी, पानी नहीं मिलेगा। जी रख लिए बाबा, ज्यादा नहीं ले जा सकते, कहीं बोझ की वजह से जानवर ना बीमार हो जाए। ठीक है, कुछ सामान रह तो नहीं गया? रह गए आयकज और हलीमा, उनका सामान रह गया है। मैं देख कर आता हूँ। वो आ रही है। आ गया, कर लिया उन्होंने पूरा सामान। माफी चाहती हूँ देर से आने की। सब तैयार है? सब कुछ तैयार है हाइमा खाना। क्या कहती हो तुम, काफले में भेजने के काबिल है? एक निकाल के दिखाओ जरा मुझे। पसंद आया क्या तुम्हें? वाह बहुत खूबसूरत है, मेरी सोच से भी ज्यादा। चलो ये भी सामान में शामिल करो, रवाना हो जाओ। फिर वो अपने मंसूबों में नाकामयाब हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है। अर्थरुल आ गया, वाव। कारा तोइगर यम भाई, इसका तो मतलब काम तमाम होएगा फॉर श्योर। आ जाओ। बार बार वादा हो चुका है, सुलेमान शाह का बेटा गुंदोगदु का यत्न कर रहा है। ओहो कितना ऑसम लग रहा है ना। वाह जल्दी जल्दी काय कबीला पहुंचे, बहुत बढ़िया सीन होगा वो। या तो इधर ही मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। हमला विमला ना हो जाए इन पे। खरा तो इधर कुछ तो कर रहा है, अभी तो कुछ होगा बहुत बड़ा। इनका सामान लूटेगा ये एड़ा। कैसे असर है? काफिर सकती हो तुम लोग, सलजा मेरे साथ आओ तुम।
والد اور والدہ کے انتقال کے بعد تم اور تمہاری بہن ہمارے ساتھ ہی رہتی ہو اور ہمارے خاندان کا حصہ ہو. میں نے ہمیشہ تم دونوں بہنوں کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے آئمہ خانہ. کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اگر ہے تو بتائیں. کوئی ایسی بات نہیں, تم پریشان نہ ہو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ بہت مختلف ہے. کوکچی بڑی ہو گئی ہے, بہت پیاری بچی ہے, محنتی ہے بہت. اب ہمیں اس کی شادی کر دینا چاہیے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, میں بھی کافی عرصے سے یہی سوچ رہی تھی. مگر کس سے کریں گے اس کی شادی؟ ارطغرل. اگر تم مجھے کچھ سمجھتی ہو تو میں ارطغرل اور کوکچی کو اس بندھن میں باندھنا چاہتی ہوں. اوہو, اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی. بہت اچھا ہوگا یہ. میں جانتی ہوں کہ بچپن سے تم نے اسے پالا ہے, مگر میں چاہتی ہوں کہ پہلے تم اسے پوچھ لو. مجھے یقین ہے کہ وہ منع نہیں کرے گی. میں ابھی چاہتی ہوں ایمہ خانم, میں ابھی پوچھتی ہوں. ٹائٹس کا قلعہ. سلیبی. سندیش آیا ہے, پیغام لکھا ہے کبوتر. کیا پیغام ہے؟ اوہو, ان پہ حملہ ہو گیا یار. ابھی ان سب کی محنت ہے یہ. کارا تو ایک کارا ہے تو ایک ٹائٹس خود کو کیوں مار رہا ہے بھائی؟ سزا دے رہا ہے اپنے آپ کو. ناکامیاب ہوا نا اس لیے. ارطغرل آ گیا واپس کائے کو ملے. کیا بات ہے, سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے نا. بہت بہت زیادہ اچھا سین ہوگا. ایگزیکٹلی, اور ادھر بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. او ہو بھائی, بیٹھے سب ادھر تاک لگا کے. کائے کبھی سب لوگ آ رہے کیا؟ ہاں باپ رے. او شٹ, اسے مار رہے.
गुंडोग टू एंड भमसी है सिर्फ इधर भमसी थोड़ी है भमसी नहीं वो ओ भाई वो ओ लगा उसकी गर्दन पे ओ बच गया भाई ओए होए होए शिट सिर्फ अकेला गुंडोगडू बचा है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पेट्रोल का भाई है भाई ओह क्या फाइट है यार इधर आ गए शिट ओ शिट यार इसको मार तो नहीं देंगे ये था हमारा रिएक्शन ऑन डिरलिस एर्थ्रुल सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन था बहुत मज़ा आया बहुत ही अच्छे अच्छे सीन्स थे एर्थ्रुल को हलब में सुल्तान ने उनको जगह दे दी है तो बहुत खुश हो गए थे सारे तुर्गुत बम से एंड एर्थ्रुल बहुत ही सब खुश हो गए थे अभी वो खुशखबरी काय कबीला जाके सुलेमान शाह और अपने कबीले वाले को देंगे तो वो देखने वाला सीन है एंड गुंडोगलू अपने काय कबीले के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब बेचने के लिए निकले हैं मार्केट में तो वो उनके ऊपर कारा तोयगर ने अटैक कर दिया अभी देखना होगा कि अभी क्या होगा उनको वो बंदी बना लेगा क्या करेगा क्या नहीं सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच नेक्स्ट एपिसोड तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छे ऐसे ही रिएक्शन लेके आते रहेंगे एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इन लास्ट में जब गुंडोगडू कारा तोयगर मतलब कारा तोयगर गुंडोगडू को मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं मतलब आगे क्या फाइट होगी एपिसोड नंबर 7 में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मेरे को ये एपिसोड बहुत सुपर्ब लगा यस मुझे भी बहुत ज्यादा ऑसम लगा काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये हमने काफी इंटरेस्ट लेके ये पूरा एपिसोड देखा एंड नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं एग्जैक्टली सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में शाबाश बाय बाय टेक केयर सी यू